हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाई फिनेसर। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल राइटिंग फॉर्मेट की, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बोर्ड की सप्लीमेंट्री में ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल को लिखना है। ठीक है, ये जो सप्लीमेंट्री में राइटिंग होता है प्रैक्टिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है कि इसमें आपको प्रिंट या जेरोक्स जो भी स्कीम बुक है, ठीक है, प्रैक्टिकल को ले जा सकते हैं, उसको देख के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं किस तरह से आपको सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके आपको फॉर्मेट को समझाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एम हो सकता है एम लिखा हो, और अगर नहीं लिखा होगा तो आपको जो भी कंपाउंड मिला होगा तो उसका सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एम। और एम क्या है, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वही आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एम। देन आपको लिखना है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। जनरली आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो इनके ऑपरेटर्स के नाम पता होंगे, यही आपको लिख देना है। जैसे आपको टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, बीकर चाहिए, बर्नर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, ठीक है, एंड वायर गेज भी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप हीट करते रख के बीकर को, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अननोन जो आपको इसमें आपको डिटेक्ट करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर चाहिए एंड रिएजेंट चाहिए उसको डिटेक्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो पहले एम लिखना है, देन ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखना है, देन आपको मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी आपको कंपाउंड दिया होगा उसी को ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट है ना, तो फिजिकल स्टेट में हमने यहाँ पर एल्डिहाइड कंपाउंड लिया है। जैसे बेंजल्डिहाइड आपने लैब में देखा होगा कि ये लिक्विड स्टेट होता है, और ग्लूकोज में भी CHOAldehyde ग्रुप होता है और वो उसका फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड स्टेट। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर लिख लेना है, बेंजल्डिहाइड का जो ऑर्डर होता है बिटर ऑलमंड जैसा होता है, कलर लगभग लाइट एलोइस कलर होता है, सॉल्युबिलिटी ये पार्शली सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर या फिर पार्शली सोल्यूबल लिख दीजिए। फ्लेम टेस्ट, ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट कैसे करना है कि जो भी आपके पास स्पैचुला या फिर कॉपर वायर होगा वहाँ पर आपको उस लिक्विड कंपाउंड में डिप करना है, और अगर फ्लेम पे ले जाएंगे और ब्लैक फ्लेम आ रहा है दैट मीन्स वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है ना, और अगर क्लीन फ्लेम आ रहा है दैट मीन्स वो एलिफैटिक है के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो टेबल का फॉर्मेट होगा उसको आप दिमाग में सेट करके जाइए, यही फॉर्मेट आपको लिखना है। और जनरल में प्रैक्टिकल बुक में भी आप ऐसे देखा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, देन आपको यहाँ पर टेस्ट लिखना है, देन एक कॉलम बनाना है आपको ऑब्जर्वेशन टेबल का, और देन यहाँ पर इन्फ्रेंस है। ठीक है, सीरियल नंबर, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, देन इन्फ्रेंस। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड का टेस्ट के लिए आपने बुक में देखा हो, सबसे पहला है शिप टेस्ट, इसमें क्या करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेना है, देन अल्कोहल या फिर वाटर एंड 2-3 ड्रॉप इसमें शिप रिएजेंट भी लाएंगे, अगर उसका अपियरेंस पिंक कलर आ रहा है दैट मीन्स में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ये सब जितने भी हैं वो आपको याद करने के रटने की जरूरत नहीं है, या आपको जो भी बुक ले जाएंगे या फिर प्रिंट लेके जाएंगे उसी में से आपको यहाँ पर देख के लिखना है। ओके, सेकेंड जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर फेलिंग टेस्ट है, ये एल्डिहाइड चैप्टर्स में आपने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ, फेलिंग टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, दैट मीन्स अगर ग्लूकोज होगा जो एलिफैटिक एल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और अगर बेंजल्डिहाइड होगा तो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देते। ओके, तो यहाँ पर देखिए फेलिंग रिएजेंट के लिए क्या करना है, आपको लिंक सोल्यूशन ए एंड बी रखा होगा, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी मिक्स करेंगे वहाँ पे लेवल लगा होगा, इक्वल अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में आप मेजर कर लीजिए और उसको मिला दीजिए तो आपको फेलिंग रिएजेंट बनेगा।
फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है, उसको हीट करना है टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ फॉर 5 मिनट। ठीक है, वाटर बाथ में हीट करेंगे तो अगर वहाँ से फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड PPT बनेगा दैट मीन्स उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तीसरा जो टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होगा, ये रिएजेंट रखा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, बेनेडिक्ट रिएजेंट मिलाना है, उसको हीट करना है 5 मिनट तक वाटर बाथ में। अगर उसका ऑरेंज रेड PPT फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स उसमें CHO ग्रुप कन्फर्म है। ओके, फोर्थ जो प्रैक्टिकल है टॉलेंस टेस्ट, ये आपने भी थ्योरी में पढ़ा हुआ है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और टॉलेंस रिएजेंट वहाँ पर रखा होगा और उसको भी हीट करेंगे मिक्स करके, तो वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन इनर साइड ऑफ सरफेस टेस्ट ट्यूब, इसीलिए इसको सिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर ब्लैक PPT फॉर्म करेगा जो इस बात का कंफर्म करेगा कि उस कंपाउंड में जो आपको ऑर्गेनिक अननोन कंपाउंड मिला था उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद आपको फाइनली आपने कंफर्म कर लिया कि जो भी अननोन कंपाउंड था उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में ये होगा इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है एल्डिहाइड, नेम भी लिखना है उसका, फॉर्मूला भी लिखना है। तो एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है प्रेजेंट होगा। ओके, और आपके जनरल बुक में प्रिकॉशन नहीं होगा, प्रिकॉशन भी आप हर एक प्रैक्टिकल में लास्ट में लिखिएगा, और प्रिकॉशन अपने से भी बना के लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एड रिएजेंट केयरफुली, जब भी रिएजेंट आप टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे तो उसमें केयरफुली मिलाना है। और दूसरा जो प्रिकॉशन आप लिख सकते हैं वॉज द ऑल ऑपरेटर्स बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रैक्टिकल करने से पहले जब भी आप यूज करेंगे तो भी क्लीन करना है, रिंस करना है, एंड आफ्टर द प्रैक्टिकल भी इसको वॉश करना है। ठीक है, तो ये हुए प्रिकॉशन के। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फॉर्मेट आपको जो मैंने बताया क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। आपको 5-6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको मिल सकते हैं और ये 6 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के, अभी भी बोर्ड का भी एग्ज़ाम बाकी है, ताकि आपको नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिले, किस तरह से किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी में भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।